कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राहुल, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल और सीआई टेक सपोर्ट में। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इससे पहले मैंने जो टॉपिक में समझाया था वो था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, पार्ट थ्री वीडियो, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आता हूँ उसको आप लोग सीखा करिए, समझा करिए। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि वीडियो जो मैं लेकर आता हूँ वो आप लोग के लिए ही है, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और कुछ नई चीज़ें सीखें, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक लेके आया भाई साहब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में आप सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ हार्डवेयर की। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है? HARDWAR E। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर भैया साहब क्या होता है, हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर किसे बोलते हैं? कंप्यूटर में हार्डवेयर हम उसे बोलते हैं जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे ये मैंने मार्कर ख़रीदा, ठीक है, अब इस मार्कर को क्या मैं टच कर सकता हूँ, फील भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? एक फिजिकल यानी हार्डवेयर कहला सकता है, हार्डवेयर बोल सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर क्या होता है कि जब किसी पार्ट्स को, जैसे मान के चलिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसिंग फैन हो गया, रैम हो गया, या कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट जिसे टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, है ना। तो हार्डवेयर मेरे बहुत टाइप्स के होते हैं, टाइप्स नहीं, हार्डवेयर मेरे बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि रैम, आपका हार्ड डिस्क, मॉनिटर, CPU, प्रोसेसिंग, बहुत सारी जिससे जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल में अगर मैं आकर दूँ तो मैंने अभी आपको बताया जैसे रैम हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद माउस हो गया, ETC, बहुत सारे हार्डवेयर हैं, जिसे हम लोग हार्डवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर आपका कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई साहब? सॉफ्टवेयर है ना। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अगर मैं बात करूं SOFTWAR E, सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिंपल सा भाषा में अगर मैं कहूं कि आत्मा को आप लोग देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन शरीर को आप लोग टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। तो बस वैसे एग्जांपल मैं कंप्यूटर के देना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे सिर्फ और सिर्फ, है ना, देखा जा सकता है। आत्मा को तो वैसे भी आप देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर के वो वेयर जिसे केवल और केवल देखा जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, तो फील भी नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर अधूरा और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर अधूरा, समझ रहे हैं। अगर आपको इन दोनों में से यदि कोई नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो होगा वो चल नहीं पाएगा। मान के चलिए अगर आप एक फ़ोन चलाते हैं तो उस फ़ोन में क्या है? फ़ोन तो सब लोग यूज़ करता है, और तो छोटे छोटे बच्चे फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सब फ़ोन यूज़ करते हैं। इवन हमारा बच्चा भी यूज़ करता है, बहुत छोटा बच्चा, 2 साल का है, उसको भी फ़ोन चाहिए होता है। तो क्या किया जाए, बच्चे जनरेशन चेंज होती जाती है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मैं बात कर रहा था, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब कि अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, समझ में आ रही मेरी बातें। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर अधूरा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मेरे क्या होते हैं कि जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हों या जिस पे काम करते हों, हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सॉरी देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, ठीक है। अब यही बात नहीं खत्म होती है, अभी फिल्म स्टार्ट होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब भाई साहब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अभी तक तो आपने सॉफ्टवेयर सुना था, लेकिन सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात नहीं, तो फिर दोबारा एग्जांपल दूंगा।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता हो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हमारे गाड़ी को चलाता हो उसे ड्राइवर कहते हैं, है ना, जो हमारे घर संसार को चलाता हो उसे भगवान कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे सिस्टम को चलाता हो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे OS एग्जाम्पल में, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे बोलते हैं। OS में बहुत से टाइप्स हैं, जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये सब क्या है आपके OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब आपके। तो विंडोज़ के वर्जन बहुत सारे हैं, जैसे विंडोज़ के वर्जन, जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, विंडोज़ 11, विंडोज़ 2000, ये सब आपके विंडोज़ के वर्जन है। जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं, देखिए मैं फ़ोन का एग्जांपल बार-बार क्यों देता हूँ, क्योंकि फ़ोन से ज़्यादा जो लोग ज़्यादा प्रॉपर टच में रहते हैं वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो यदि आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसके वर्जन एंड्रॉयड 1 है ना, एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, ओरियो, ये सब क्या है, इसके वर्जन्स है। उसी तरीके विंडोज़ के वर्जन्स है ये सब। तो ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता हो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे 10, 8, XP, 11, 13 और 13A, 12000, ये सब आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ दूसरे की बात करता हूं, तो एक आता है इसका छोटा भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब भाई साहब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अभी तक तो सॉफ्टवेयर नाम सुना था, अभी तक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम सुन लिया, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा क्या होता है, जो हमारे, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करता हो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नहीं समझ में आया, ठीक, एग्जांपल देते हैं। एप्लीकेशन वो प्लेटफॉर्म है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी रेलगाड़ियों को रोकने का मौका देता है, है ना। मतलब अगर बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ज़मीन है जिस पे हम लोग चलते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते क्या क्या, आप लोग दिमाग में क्वेश्चन बने हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते क्या, मैं बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सिंपल से मैं एक बात बोलूँगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको यूज़र ऑपरेट करता है, है ना। जितने भी यूज़र जो चीज़ें चलाते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका मान के चलते हैं नोटपैड, ठीक है, वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, और बहुत सारे। तो ये सारे सब चीज़ें जो होती है जिसको यूजर ऑपरेट करता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कराता है, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते हैं, है ना। फ़ोन का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर आप नहीं चला सकते हैं जब तक कि फ़ोन का सॉफ्टवेयर उस पर चढ़ेगा नहीं। अब आई होगी बात समझ में, क्योंकि फ़ोन का मैंने एग्जांपल दिया ना, ठीक है। तो वो लोग, आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें जल्दी समझ में। अब चीज़ें आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भैया ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, लेकिन हमने इसको एक अलग तरीके से लिखा हुआ है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई साहब, देखिए अगर आपके सर में थोड़ा सा दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, BHU या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट तो होंगे नहीं, है ना। या बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा बुखार है, बहुत थोड़ा सा बुखार है, तो आप जाके तुरंत भैया ऐसा है कि हमको इंजेक्शन लगा दिए या फिर हमको एडमिट कर लीजिए, मुझे बुखार है, नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन आप क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं, अगर दर्द है तो, बुखार है तो, फीवर है तो, आप दवा लेते हैं, है ना, जिसके कारण आप ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे सिस्टम में यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, जैसे कि आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, जैसे कि आपका सिस्टम बार बार स्लो चल रहा है या रुक रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यदि हमारे सिस्टम में वायरस इंजर्ड हो जाता है या वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है तो हम उसको एंटीवायरस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है लेकिन इसे हम लोग
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो एंटीवायरस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को वायरस को हटाते हैं। जैसे पेन किलर के माध्यम से हम लोग सर दर्द को हटाते हैं, उसी तरह एंटीवायरस के माध्यम से वायरस को हटाते हैं। दूसरी चीज़ें डिस्क क्लीन अप करना हुआ या स्पेस फुल हो गया तो स्पेस को रिमूव करना हुआ, तो वो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम के छोटे मोटे प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता हो उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जस्ट लाइक अ एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके करो यार, कितना पैसा लगता है, एक बार क्लिक करना है ना, नई नई जानकारी देते ही रहूँगा, तो एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और बगल में जो घंटा बना हुआ था उसको भी आप जाकर क्लिक करिएगा, अगर नहीं क्लिक करते तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉपिक्स में वन बाय वन लेता चलो जाऊँगा। ये पार्ट फोर था, ये वीडियो पार्ट फोर का था। अब पार्ट फाइव वीडियो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं मेमोरी पे या ट्रांसलेटर पे बनाऊँगा। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल का था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक वही चीज़ें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और तब तक के लिए गुड बाय।